गरम गरम खाने का मजा आएगा, नीचे आ जाना। मैगन उसकी जान निकलेगी, फिर मेरी कलेजे को उठानी पड़ेगी जब वो तड़पेगी। क्या जुबान बहुत ज्यादा जल रही है। फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी बहन तैयार हो गई है और 5 बजे का तैयार टाइम में तैयार होकर जा रही है। सिस्टर आने वाली है, उसके साथ कुछ प्लान करें, कुछ प्राइम करने का, वो तो मैं करती हूँ। व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। उससे पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ दिए गए बेल के आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाले न्यू व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी व्लॉग स्किप मत करें। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ मूली के पराठे, मूली के पराठे और ये रहे मूली के पराठे। डाइटिंग का सोचा था, डाइटिंग का जब सोचते हैं तब कोई ना कोई मतलब की चीज आ जाती है जहन में, तो अच्छा आप बनाने मूली के पराठे। और मैंने डाइटिंग का जब भी सोचा ना तब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि मेरी डाइटिंग रह जाती है। अब मैं सोचा डाइटिंग स्टार्ट करने से पहले एक दफा मूली के पराठे हो जाते हैं। सर्दियों की सौगात है, फिर सर्दियां चली जाएगी, मूली के पराठे सारा साल नहीं मिलेंगे, इस वजह से करते हैं मूली के पराठे। और मूली के पराठे के साथ करने वाली मैं एक प्रैंक को कर रही थी अपनी सिस्टर के साथ। प्रैंक, वो प्रैंक क्या है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। बेसिकली जब अभी कुछ दिन पहले हमने चैलेंज किया था जो कि स्पाइसी करारियों का चैलेंज था, और वो इतनी स्पाइसी थी ना कि वो टार्ट भी गले में लगती, मेरा मुंह अभी तक छिला हुआ है। तो वो बहुत सालिम चीज़ थी जो कि उसने मुझे चैलेंज दिया था, ये खाएंगे, उसको खाती है, उसको अच्छे लगते हैं, उसने ज्यादा खा लिया, विनर वही थी, मैंने बेईमानी की और मैं जीत गई। खैर शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्नी। पर विनर असल में वही थी। तो अब जो मैं चैलेंज करने वाली, मैं चैलेंज नहीं करने वाली, मैं एक प्रैंक करने वाली हूँ उनके साथ, पराठों के साथ। पराठे में मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड नहीं की क्योंकि हिबा ने भी खाने, इस वजह से सब्ज़ मिर्च बिल्कुल ऐड नहीं की हुई। तो अब मैंने करना ये है कि इसके अंदर ना उसके पराठे के अंदर स्पेशल सब्ज़ मिर्च ऐड करूंगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पाइसी हो जाएगा, स्पाइसी अभी भी है पर एक्स्ट्रा स्पाइसी हो जाएगा। सब्ज़ मिर्च पता ना मुंह में लगती तो जुबान साइड से जलती है, चीखेगी वो। तो मैं कहूंगी नहीं जी, हमारे पराठे देख लो, एक ही मिक्सचर है, इकट्ठे पराठे बनाए, ऐसे कैसे कह सकती हो। तो ये करने वाले प्रैंक और करते हैं स्टार्ट वीडियो को। और यहाँ पे आपकी बहन ने लकड़ लिया ट्राईपोड सेट, व्यू आ गया हमारा ताकि पता चले हाँ जी जी कोई फेक चीज नहीं है, रियल में हम कर रहे हैं। चूता पे रख दिया मैंने चूल्हा और मैं ढूंढ रही खुशका किधर है, दिमाग इतना खराब है खुशका ये है और मैं ढूंढ रही खुशका किधर है। पता नहीं क्या होता है कि ना पहले हमें लगता था कि सिर्फ हमारी माओ के साथ ऐसे तो वो भूल जाते हैं, जब खुद माँ बने तो चला सब माओ का ही हाल होता है, बच्चे किसी जगह छोड़ते ही नहीं है। रुको जरा सबर करो कि कुछ याद रह सके। खैर अब कहते हैं हम पेड़ा चलिए चल। यहाँ पे मैंने ये रोटी भी बेल ली और ये रोटी भी बेल ली, ये दो रोटियाँ बेली हैं और सबसे पहले बनाते हैं उसका ही पराठा। मेहमान है ना, मेहमान सबसे पहले होते हैं तो सबसे पहले मेहमानों का पराठा बनेगा। और आग लगी कर लूँ, आग लगता तवा ज़्यादा गर्म हो गया, सेक आने लग गया मुझे। खैर अब हम करते हैं ये, आप देख रहे हैं कितना लाल लाल मसाला है क्योंकि मैंने इसके अंदर लाल मिर्च, दारा मिर्च, पीसी मिर्च मैंने बहुत डाली है। और अब मैं इसके अंदर जो है ना सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी। ये बाकी वैसे ऐड नहीं करते हम सब्ज़ मिर्च क्योंकि बच्चा है ना, बच्चे की मम्मी को भी पता नहीं चलता कैसे आ जाए, तो फिर वो फिर रोए तरपे, बच्चों के लिए बड़ा कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो मज़ा आता है सब्ज़ मिर्च का, पर एक्स्ट्रा तो अच्छी नहीं होती ना। और पराठे में पता ज़ुबान पर जब लगती ना सही जान जाती है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। ये जो है ना मज़े का प्रैंक, ये जो है ना मजा आएगा आज उसको। मुझे चैलेंज दिया था ना बच्चों, अब देखें जरा, अब व्लॉग जब देखेंगे इसको पता चलेगा कैसे प्री प्लान्ड मैंने सब कुछ किया है और कैसे ये सब कुछ हो गया उसके साथ। देखिए आपकी बहन ने दो बड़े साइज की तीखी सब्ज़ मिर्च ले ली है और दिल तो करे ऐसे ही पूरी रख दो अंदर, पर ऐसे नहीं करना, उसको नजर आ जाएंगी। तो अब हम पकड़ते हैं सीजर, ये सीजर बड़ी बड़ी मिर्चें काटती है, अब हम इससे मिर्चें इसके ऊपर ही काट लेते हैं ड्रग की। ऐसा करते हैं आधे पराठे में डाल देते हैं, आधे में नहीं डालते, जब स्टार्टिंग में खाएगी उसको पता नहीं चलेगा, बाद में उसको पता जब चलेगा तो चीखेगी। बहन ने एहसास कर ली उसके सिर्फ 2 सब्ज़ मिर्चें, अगर कोई और होता ना फिर ज्यादा डाल देती। ये डाल दी सब्ज़ मिर्ची, अब इसको हम पिला देते हैं ये जगह पे ना, जब ये वाला मतलब मैगन उसकी जान निकलेगी फिर मेरी कलेजे को उठाना पड़ेगी। बहुत तेज हो रहा है, जब वो तड़पेगी
फिर इस जो ना उस दिन का जो मेरे मुंह की जुबान जल रही है ना, मैं चीज़ें सूट नहीं करती खाने में ना, तो उसकी जुबान जल रही है ना, मैं मेरी जुबान जल रही है, तो अब मैं उसके लिए जाऊँ। आधा पराठा जब खा देगी ना एक साइड से, ध्यान जहाँ से भी शुरू करेगी तो उसको पता चलेगा जिसमें मिर्ची है। अभी रोटी लेते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं रोटी, इसको जोड़ देते हैं। ऊपर तक लगे बीज पता चले ताकि गरम गरम खा लो। नहीं हो पर गरम गरम पराठा खाना आना, ठीक है? फिर उसके बाद में खत्म हो जाता, मजा नहीं आता। दरवाजा बंद किया हुआ है ना, बाहर ना अम्मी को ना पता चलती मैं कल क्या हुई, अम्मी की लाडली बैठी है ना, हम करते हैं। आपको पता ही बहन भाई को देखिए कुत्ते का पैर होता है ना, यहाँ देख सकते हैं आप सब, बस मिट्टी से ना पराठा फट गया। अरे अल्लाह, नहीं नहीं मैं नहीं मानता, ना आज आपको पता चलेगा मजा आएगा जी, मजा आएगा। आप बताइए इसके चाय की आप लेके मैं करना, अब तो पता चलेगा मजा आएगा जी, मिर्चा जी तो मुझे जान नहीं आते, मजा आएगा। मेरे साथ चला की थी द ग्रेट हुमा महरीन के साथ, वो कुछ सब्ज मिर्ची बाहर भी रह गई, ये बाहर भी आ गई, इसको भी अंदर ही बाहर दो, आ जा आ जा बन दो, अब तो मजा आएगा जी, आएगा मजा आएगा। हम ये मिर्चों वाले पराठा मिर्चें नजर आ रही हैं, अब घी डालती हूँ ऊपर, सूफी का देसी घी, ये देसी घी नहीं मतलब सूफी का घी डाल यूज़ कर रही हूँ। पहले हम डालडा करते थे, पर जब से ये हुआ ना फलस्तीन का सीन, तो हमने डालडा को कट ऑफ कर दिया है और हम करते हैं यूज सूफी। सूफी घी जो सा ये डाला मैंने तवे के ऊपर, घी के पराठे बड़े क्रंची बनते हैं। A few moments later. आपकी बहन के पराठे कितने बड़े साइज के होते हैं, ये फुल साइज का तवा है, और इस तवे में डालेंगे 38 मिनट रखना है, मतलब बस आज इसकी चीखें निकलवा दें। यही नहीं अभी और सुनिए, धुएं निकले कानों की जैसे मेरे उस दिन मेरा मुंह अब तक छिला होगा ना, पता चले। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। ये जालिम पराठा ना ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, इसको प्लेट में निकालते हैं। ये जालिम पराठा हम निकालते हैं, वाह जी वाह क्या नाम दिया अपने पराठे को, जालिम पराठा। कैसा लगा मेरा मजाक? पराठा मैंने साइड पे रख दिया, आप चलिए चलिए दूसरे पराठे खा लेती हूँ। अम्मी को पराठा दे दो। माँ जी ये आपका पराठा, आपके भी लेकर आ रही हूँ, मुझे पता आपको नीचे बुलाया है मैंने, मुझे अच्छा ना देखो, अच्छा लेकर आ रही हूँ, लेकर आ रही हूँ, मैं लेकर आ रही हूँ। अब मैं ना सिस्टर का पराठा भी ले जाऊँ ना, समझा कर, ये मेरा पराठा है, अभी रेडी हो गया, रख के आती हूँ मैं बाहर। ये पराठा मैं आ रही हूँ लेकर, और अभी नहीं खाना, लेकर आ रही हूँ। अच्छा अच्छा ये भी लेके जाती हूँ। 2000 years later. आपका नहीं है वो पराठा? तू इसको क्या मेरे में जहर डाला है? नहीं 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 वो मेरा है, आप पतला खाती हो ना, छोटी रोटी छोटे पेड़े के ये बनाई है मैंने, ये बड़े पेड़े की है, इस वजह से ये आपकी नहीं है, ये मेरी है, ये आपकी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बना माँ जी मजेदार है, आप ही टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। अच्छा लेकर आ रही हूँ चाय, ये आप खाओ, आप लोग मैं चाय लेकर आ रही हूँ। मजेदार है ना, फटाफट बनाया मैंने, फटाफट बनाए मैंने, मूलियाँ क्रश करके फौरन ही नमक लगा के मैंने पानी निकाला, मैं जल्दी जल्दी रेडी हूँ पराठे। मुझे मोटी रोटी दे दी है, कच्ची रोटी है, सो नखरे आपकी होते हैं, समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? खाओ ये, खाओ। वो देखो जरा, वो साथ माँ को देखे वैसे ड्रामे कर रही है। मिर्चे कहाँ से तेज है, साथ चाय लो, कुछ भी नहीं है, मिर्चे तेज हैं। अब कभी तारीफ निकली नहीं, मुंह से नुक्स निकल आते हैं। मिर्चे तेज हैं। खाओ खाओ, ये लो चाय, मम्मी चाय। क्या हुआ मिर्चे? पानी ये पड़ा था। दीदी दीदी, क्यों, क्या हो गया, क्या हो गया? कहाँ मिर्चे, कहाँ मिर्चे जो डाले आपने? नहीं, कुछ किया आपने? मैंने तो मिर्च डाली ही नहीं है, ही बाकी से मिर्च आपको पता अटकी रखती हूँ। मेरे साथ आपने कुछ किया आज? नहीं नहीं, अम्मी कह रही मिर्चे नहीं है तो मेरे क्यों मिर्चे आ रही है? माँ जी मिर्चे कहाँ पे है, कोई मिर्चे पता नहीं इसको क्या कुछ वहम है कि मैंने इसके साथ कुछ किया है। आपकी जैसी नहीं हूँ मैं जो कुछ करूंगी, तभी तो कह रही मेरे। मैंने नहीं किया, कसम से कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, जो मसाले डालते वही डाले, कुछ नहीं मैंने किया। खाओ खाओ, कुछ नहीं किया, पूरा पराठा खाओ, 5,000 रुपया दूंगी। क्या किया फिर? कुछ नहीं किया। क्या मतलब, वो मोटा है कच्चा है? कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है ना। चलो ठीक है, कुछ किया मेरे साथ? नहीं मैंने कुछ नहीं किया, किया हो तो मैं खा लेती हूँ, कोई बात नहीं। हस्ती क्यों आ रही है आपको? नहीं नहीं कुछ नहीं, बिस्मिल्लाह, कुछ भी नहीं है, खाए खाए। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, देखना मैं सारा खा लेती हूँ, खाए खाए, कोई मसला नहीं है, खाए खाए। हाँ जी, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ किया तभी बार बार कह रही है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपने दिल में तसल्ली दे रही है। मुझे नहीं है, फीका पराठा जी अभी खा ले आराम से, खिलाए जरा ही बाबू एक बाइट खाने। क्या हो रहा है? कुछ आँखों नहीं, पानी क्यों आ रहा है? कुछ भी नहीं, मैं वैसे फ्लैश लाइट पड़ रही है इस वजह से आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खाओ, आप खाओ पराठा, हाँ मेरी फिक्र छोड़ो, अपने पे ध्यान दो। यहाँ पे मैंने रोटी खा ली है और मेरी ना बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन हो रही है। अब मैं आपको एक सच बोलूं, सच बोलूं आपको, मैंने ना आपके साथ ना, मैंने ना आपके साथ ना प्रैंक किया था, आपके ना पराठे में मैंने मिर्चे ज्यादा डाली थी, सब्ज़ मिर्चे दो बड़ी बड़ी काट के डाली थी, और यहाँ पे ना बाप पड़ गया, यहाँ यही हुआ है जैसा चोरों को मोर पड़ गए और उल्टा पराठा मुझे ही खाना पड़ गया। और बड़े शौक ना था, मैंने कुछ नहीं डाला, मैंने खा तो लिया, अब मेरी ना जुबान बहुत ज्यादा जल रही है। कितनी मिर्ची डाली है, कौन सी मिर्ची डाली है? सब्ज़ मिर्ची, वो बड़ी वाली नहीं होती, तीखी वाली, वो आपका उस दिन का जो ना आपने मेरे चैलेंज दिया था ना,
जवाब जीत गई, मैंने फ्रॉड करके जीता था। ये लो। उस दिन मेरे साथ बुरा हुआ था, मैं हार गई थी, मैंने फ्रॉड करके जीत लिया। आज भी मेरे साथ बुरा हुआ है, पता नहीं क्या है मेरे नसीब के बस जो मैं करती हूँ उल्टा मेरे ऊपर ही आता है। ये ड्रामे बाहर है जो देखती है वही। Two hours later. दीपा को सुलाने के बाद अपने व्लॉग एंड करने के लिए यहाँ स्टूडियो में आ गई हूँ। मेरे इतनी मुझे मर्च लगी वो जो किसी के लिए बुरा सोचते उसके साथ अपने साथ बुरा था प्रैंक, तो मुझे उल्टा पड़ गया। अब उसको शो करवाना था, बाकी मैंने कुछ नहीं डाला तो मुझे मजबूरी में खाना पड़ा। मैं मिर्चें बर्दाश्त कर लेती हूँ ग्रीन चिली, बट 5-6 वाले वहां मेरी भी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। चीनी खाई, चॉकलेट खाई और बड़ी मुश्किल चॉकलेट खाई क्योंकि हिबा खींचने लग गई थी, भाई मेरी है और बहुत ज्यादा मसला हुआ। तो जब भी मतलब जिस चीज से ये सबक मिला किसी का बुरा करो तो अपने साथ ही होता है, तो ये तो चोरों को मोड़ पड़ गए। और वो कहते ना कर पाड़नू आवे काड़नू, कुछ इस तरह का सीन वो ही मेरे साथ हो गया। और मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कोई सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ दिए गए बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल जाए। इंशाल्लाह कल एक न्यू व्लॉग के साथ प्रेस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।